yeah, yeah.

तो इसको छोटा कर सकते हो और आप ये खुद भी सेल्फ कर सकते हो इसके ये बोल्ट खोलने होते हैं पैनल पूरा बाहर निकल आता है यहाँ ऊपर दिखाऊं तो आपको यहाँ पर बोनर के ऊपर लाइट्स लगी हैं जिसके नीचे स्लॉट भी जो है वो भी बुलहॉर्न कंपनी के लगे हुए हैं प्रॉपर बकेट फिटिंग वाले शीट कवर बने हुए हैं जो प्रॉपर एक डिजाइन के अंदर है हमारी ब्लैक कलर के अंदर पूरी छत बनी हुई है जो रेड कलर के अंदर हाईलाइटिंग है और बहुत ही स्लीक डिजाइन के टेलर है नीचे रिफ्लेक्टर भी लगे हैं सेम डिजाइन के अंदर हेलो गाइस सत भाई और नमस्कार ये है रेंगुलर 2024 मॉडल रेंगलर नहीं है भाई थार है बट इसको हमने रेंगलर 2024 में कन्वर्ट किया है अभी आपको दिखाता हूँ गाड़ी की पूरी वीडियो बट थोड़ी सी लोकेशन पे लेके चलते हैं गाड़ी को बिल्कुल शांत जगह पे जहाँ आपको बिल्कुल क्लियर चीजें दिखा सकूँ तो चलते हैं शांत जगह पे दिखाता हूँ आपको गाड़ी की पूरी वीडियो तो भाई आगे है बेस्ट लोकेशन के ऊपर लोकेशन बहुत ही बढ़िया है कोई भाई मुझे व्हाट्सअप करके यहाँ की लोकेशन ले सकता है और अपनी गर्लफ्रेंड को ला सकता है सॉरी भाई मतलब बात को वाली ये कि लोकेशन बहुत ही सुंदर है तो अभी हम आ गए अपनी रैंगलर के पास मतलब थार के पास जो सबसे पहले मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा जो तैयार हुई है पूरी की पूरी बुलहोन ऑफिशियल स्टोर से जहाँ सारा सामान बुलहॉन कंपनी का ही लगा हुआ है यहाँ पर तो अभी कहीं भाई पूछते हैं भाई क्योंकि कई वीडियोज़ हमारी पहले भी एक दो वीडियोस 2024 के ऊपर बन चुकी है जिसमें 2024 मॉडल कन्वर्ट हो चुकी गाड़ी बट अभी क्या है? कुछ भाइयों की डिमांड थी भाई रेड कलर के अंदर थार भी दिखाओ तो ये रेड कलर के अंदर बिल्कुल ही एक नया कंसन दिखा रहा हूँ आपको ये देखिए ये है हमारा 2024 वाला मॉडल जिसके अंदर ये ग्रिल बुलहॉन कंपनी ने लॉन्च की है जो बिल्कुल ही अगर आप गूगल पर डालेंगे 2024 थाउजेंड तो आपको एग्जैक्टली सेम कंटेंट मिलेगा ये वाला और उसके साथ में बम्पर की बात करें तो बम्पर भी यहाँ पर हर बार आप रेंगुलर बम्पर देखते हो यह है रूबीकॉन बम्पर जो डिटैच बम्पर है अगर आप उस मॉडल में चेक करेंगे तो एक्जैक्टली ये रूबी को उनका ओरिजिनल बम्पर वाला डिज़ाइन है जो डिटैच बम्पर होता है डिटैच में क्या होता है कि आप ये वाले पैनल खोल सकते हो और इस बम्पर को छोटा कर सकते हो मतलब ये आपका बेसिकली जैसे अगर आप इसमें देखो तो बल्कि टायर डले हुए हैं तो थोड़ा सा तो ऑफ रोडिंग का मजा लेना चाहते हो तो ये वाले पैनल खोल दीजिए ये हमारा छोटा बम्पर बन जाता है तो इसमें बम्पर के दो सेगमेंट हो जाते हैं एक छोटा बम्पर और एक बड़ा बम्पर बड़ा बम्पर मीन की प्रॉपर ओरिजिनल रूबिकॉन स्टाइल है और उसके संग में आपका ऑफ रोडिंग स्टाइल भी बन जाता है तो बल्कि टायर के संग लुक लेनी है तो इसको छोटा कर सकते हो और आप ये खुद भी सेल्फ कर सकते हो इसके ये बोल्ट खोलने होते हैं पैनल पूरा बाहर निकल आता है और उसके बाद दिखाऊं तो यहां पर हेडलाइट्स लगी है गाड़ी के अंदर बुलौन कंपनी का स्पेस कवर लगा है जो मेटल के अंदर आता है यहाँ पर प्रॉपर प्रॉपर हाईलाइटिंग के लिए रेड कलर दिया हुआ है आईपीएच प्रोजेक्टर लगे हुए हैं यहाँ ऊपर दिखाऊँ तो आपको यहाँ पर बोनर के ऊपर लाइट्स लगी हैं जिसके नीचे स्लॉट भी जो है वो भी बुलहॉन कंपनी के लगे हुए हैं तो गाड़ी पूरी की पूरी जैसे अभी आपको इंटीरियर भी दिखाऊंगा गाड़ी का एक्जेक्टली exactly वो इसके अंदर 20 इंची के टायर लगे हुए टायर कस्टमर ने खुद लगवाए थे हमने जो बाहर की मॉडिफिकेशन की थी वो ये वाली है तो भाई देखिए कई भाई पूछते हैं कि भाई ग्रिल में क्या फर्क है क्वालिटी में क्या फर्क है ये ए की ओरिजिनल ग्रिल जिसके पीछे की जो एयर मैश है वो मेटल की है डिज़ाइन मैंने आपको बता दिया टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर वाला डिज़ाइन है अभी तक आपने सेवन स्लॉट ग्रिल लगवाई होगी और देखी भी होगी ज़्यादा से ज़्यादा ये ग्रिल आपने शायद बहुत कम देखी होगी गाड़ियों हो के अंदर और अभी रिसेंटली कंपनी ने लॉन्च ही करी है तो ये नया डिज़ाइन है मतलब एक लुक की अगर आपको बात करूं तो ऑफिशियली लुक की बिल्कुल ना एक ब्रॉड लुक बन चुकी गाड़ी बिल्कुल डिफरेंट लेवल की गाड़ी हो चुकी है मतलब अभी तक शायद मेरे हिसाब से आपने ऐसी गाड़ी नहीं देखी होगी यूट्यूब पर क्योंकि ये एक बिल्कुल ही OEM डिजाइन के अंदर गाड़ी तैयार हुई है जो प्रॉपर रैंगर का टू वाला डिजाइन है सुगाई so कहीं भाई पूछते हैं कि भाई बम्पर की क्वालिटी के बारे में बताओ कि बम्पर किस क्वालिटी में है मेटल में है या एबीएस में है? भाई ये बम्पर एक तो गए भाई पूछते हैं भाई फाइबर में तो नहीं है तो भाई फाइबर में बुलाउन का कोई भी सामान नहीं होता है ये पूरा एबीएस के अंदर है अगर आप एक चीज़ देखो तो एबीएस का बम्पर इस साइड पैनल से भी नहीं दब रहा उसके ना दबने की वजह ये है जो आप ये स्क्रू देख रहे हो ना भाई ये पूरे स्क्रू पीछे से मेटल से फोल्ड है मतलब इसके पीछे पूरा का पूरा लोहा लगा हुआ है इसके बम्पर की फ्रंट साइड के अंदर भी जो बैक साइड था उसमें लोहा लगा हुआ है पूरी साइड में अगर आप देखो कि जहाँ बोल्टोन दिख रहा है ना वो पीछे पूरी मेटल की शील्ड फोल्ड है क्योंकि क्या है बम्पर की क्वालिटी को एनहैंस करने के लिए ये कंपनी ने किया हुआ है कि जैसे क्या होता है कि अगर बेसिकली पूरा ए में होता तो कहीं भी लगता थोड़ा मेजर तो टूट जाता तो उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पूरा पीछे लोहा लगा गया उसके बाद जो यहाँ पर कुंडे की बात करें ये जो कुंडे बुलौन यूज़ करता है वो प्रॉपर लोहे के कुंडे यूज़ करता है बुलौन उसमें क्या होता है कि आप इसके संग कोई भी गाड़ी बांध के भी खींच सकते हो ये कुंडे नहीं टूटेंगे लोकल बम्पर के अंदर ये कुंडे कास्टिंग के आते हैं जो अगर आप मेजरली ऐसे पकड़ के भी खींचोगे तो शायद टूट सकते हैं इसके अंदर वो चीज नहीं है और दूसरी बात कई भाई फोन करते हैं कि भाई रेगुलर बम्पर जो अपना रेगुलर बम्पर है वो कहीं जगह तो सस्ता मिल रहा है तो भाई देखिए कई कंप्लेंट हमें मिल रही है कि बुल हॉर्न का कई लोग स्पेस कवर देते हैं बट क्या होता है, स्टांप स्टांप की यहीं पर ही आती है। तो कंप्लेन भी मिले के स्पेस कवर मिलते हैं तो बुलौन का, नहीं मिलता। बुलौन का मिलता है तो स्पेस कवर नहीं मिलते तो काफी चीजें मिसमैचिंग है तो कोई भी चीज अगर आपको परचेज करनी है बुलौन की तो बुलौन ऑफिशियल स्टोर से ही परचेस करें क्योंकि आप किसी दुकानदार को फोन करते हैं वो आपको भले ही दो तीन हजार रुपये सस्ता बता देगा लेकिन क्या होगा कि आपको बाकी चीजों में कहीं ना कहीं कवरिंग कर लेगा आपके तो तो भाई ऐसी चीजों में ना पड़े कि भाई मेरे को वहां दो हजार सस्ता मिल रहा है या हजार रुपये सस्ता मिल रहा है आपको बुलौन ऑफिशियल स्टोर से सस्ता कहीं भी नहीं मिलेगा क्योंकि बुलहौन लेना है तो बुलहन ऑफिशियल स्टोर से ही लेना है तो अभी बुलौन के अंदर मैंने आपको मेजरली जो चीज़ें जो यहाँ पर है उसके अलावा कई चीज़ें और आती है बुलौन के अंदर इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर भी मैं इंटीरियर भी दिखाता हूँ एक बार फिर से मैं बात करूंगा फ्रंट लुक की मैं आपको बिल्कुल फ्रंट से दिखाऊंगा कि बिल्कुल ही एक बल्कि लुक में और प्रॉपर ओ डिजाइन है मतलब अगर आप रेगुलर चलाने का शौक रखते हो ना तो भाई आप अपनी गाड़ी को भी टू में कन्वर्ट कर सकते हैं कई भाई वीडियो देखते हैं स्किप भी कर देते होंगे ठीक है आपके इसी सपोर्ट से मोटिवेशन मिलती है अगर आप चैनल को फॉलो करते हो या कमेंट करते हो भाई वीडियो को ना फॉलो किया करो क्योंकि क्या होता है नेक्स्ट वीडियो ना इससे बढ़िया बढ़िया आती है हर बार कुछ नया कंटेंट लेकर आते हैं आपके लिए और आप क्या करते हो कि

स्टार्ट कर रहे हैं हम डोर से यहाँ पर एम्बियंस लाइटिंग लगी हुई है जो के फोर डिजाइन के अंदर है यहाँ पर कई बार पूछते हैं कि भाई लेदर रैप भी हो जाता है गाड़ी के अंदर तो सही ये है लेदर रैपिंग यहाँ पर पूरी की पूरी ऊपर का पैनल जो है ब्लैक लेदर के संग रेड कलर की स्टिचिंग के संग हाईलाइटिंग है यहाँ पर कार्बन फिनिश के अंदर इसको किया हुआ है इसके संग इस वाले पार्ट को भी हमने कार्बन कार्बन फिनिश के अंदर किया हुआ है यहाँ रेड कलर जो आप देख रहे हो ये है प्लास्टिक कोटिंग कलर जो यहाँ पर प्रॉपर मैचिंग के अंदर रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया है क्योंकि कुछ कुछ पार्ट होते हैं जहां पर लेदर रैप नहीं होता तो इसलिए वहां पर

छत की बात करें तो छत भी सेम डिज़ाइन के अंदर ही बनी हुई है हमारी ब्लैक कलर के अंदर पूरी छत बनी हुई है जो रेड कलर के अंदर हाईलाइटिंग है बीच का पार्ट भी पूरा का पूरा लेदर के अंदर कन्वर्ट है तो ऑलमोस्ट पूरी छत जो है फ्रंट से लेकर रियर तक पूरी की पूरी जो है वो प्यू लेदर के अंदर कन्वर्ट की गई है और यहाँ पर फ्रेम की बात करूँ जो सीरो का फ्रेम है और नीचे की जो फ्रेम पैनलिंग है ये पूरे के पूरे कार्बन फिनिश के अंदर हुए हैं तो ये है एक तरह का बेसिकली रहना ब्लैक का एक कंसेप्ट जो अपनी गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग नहीं चाहते एक सटल इंटीरियर चाहते हैं तो उनके लिए ये वाला इंटीरियर है कि अगर आपको ये एक कंसेप्ट दिखाओ ना तो बहुत ज़्यादा नहीं है ये है कि अगर आपको अपनी गाड़ी का जैसे इंटीरियर ब्लैक है और आउटर आपकी गाड़ी रेड है तो ये तो उससे ही मैच हो गया अदरवाइज आपकी गाड़ी ब्लैक होती है तो अपनी गाड़ी को ब्लैक एंड रेड भी कर सकते हो तो ये पूरा का पूरा इंटीरियर कंसेप्ट ये वाला है उसके बाद बैक साइड में दिखाऊं तो यहाँ टेल लाइट लगाई है यहाँ पर जो तो एक एक्स डिजाइन की टेल लाइट है और बहुत ही स्लीक डिजाइन की टेललाइट है नीचे रिफ्लेक्टर भी लगे सेम डिजाइन के अंदर और मतलब तो बेसिकली इस गाड़ी के अंदर टोटली सारा काम हुआ हुआ है जो एक अगर आप एक रीजनेबल काम बोले ना कि एक सटल काम है जो गाड़ी के अंदर वो सारा हुआ है इस गाड़ी के अंदर तो गाड़ी में लुक कैसी लग रही है भाई ये जरूर कमेंट करना और बताना कि गाड़ी किस लेवल की लग रही है तो भाई पता क्या है ये चीजें जो है ना ये गाड़ियाँ ना बहुत ही कम मिलती है कि जिसके अंदर इस तरह का बंपर इस तरह की ग्रिल और कंटेंट दिखाता हूँ मैं आपको मैं आपको चीजें नहीं दिखाता क्योंकि मेरे पास था तैयार होती है कि उसमें ग्रिल लग रही है किसी गाड़ी में बंपर लग रहा है हम आपको मेजरली वही चीज दिखाते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट होता है हम आपको रेगुलरिटी वाली चीजें नहीं दिखाते कि भाई ये ग्रिल लगाई मैंने ये ही लगाया तो राइट मैं आपको बिल्कुल ही कंसेप्ट दूसरा दिखाता हूँ और दिखाते ही रहेंगे तो वीडियो को फॉलो करना कमेंट करना भाई को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर धन्यवाद